मतलब अभी आपने खुद वीडियो में देखा है कि कैसे वो इंसान गुलेल लेके इन मंकीज को निशाना बना रहा है ना। और ये जो बड़ा गांव जंगल है ना, ये बहुत पुराना है और ये मंकीज का घर है। यहाँ पर मंकीज, नील गायें, डॉग्स और जितने भी जहरीले सांप हमारे आसपास करनाल में या किसी भी गांव से पकड़े जाते हैं तो वो यहीं पर रिलीज किए जाते हैं। मतलब ये तो देखो कि उन बच्चों का घर है और उनके घर में जाके उनको मारा जा रहा है। यही मंकीज जब खाने की तलाश में शहरों में आएंगे तो शहरों में भी इनको मारा जाता है, पकड़ के कहीं और छोड़ दिया जाता है या ईंटें मार मार के लोग मार देते हैं। और हमने पिछले 4 साल से बड़े गांव जंगल डेली जाते हैं निर्मल कुटिया से प्रसादे लेके, और उसके बाद कई बार फ्रूट्स भी लेके जाते हैं ताकि इन बच्चों का एक वक्त का पेट भर पाए। क्योंकि जितने भी वहां पर पेड़ हैं वो सब कांटे वाले पेड़ हैं, ना कोई पानी की सुविधा है। और गांव से जितना भी सीवर का गंदा पानी होता है ना, लोगों की टॉयलेट्स का, पोटी का, वो सारा पानी जंगल में जाता है। बंदर और डॉग्स वही पानी पीते हैं। और इवन जो लोग बड़े गांव जंगल में जैसे मंगलवार को है ना पूजा करते हैं, वहां पर प्रसाद रख के आते हैं, और उनको भी कई बार हरेस किया जाता है कि आप यहाँ पर खाना क्यों डालने आ रहे हो। मतलब देखो, अगर वहां पर पेड़ अच्छे होंगे, पानी होगा, तो हमें लोगों को क्या जरूरत है वहां जाने की। मतलब 4 साल पहले किसी ने वहां डॉग डंप कर दिए थे, हम वहां ढूंढने गए थे तो मैंने नोटिस किया एकदम सारे मंकीज मेरी गाड़ी के पास आ गए, क्योंकि उनको लगा कि गाड़ी आई है तो कुछ खाने का होगा ना, क्योंकि पहले लोग ट्यूसडे को ही जाते थे। तो फिर हमने जाना शुरू किया, डेली वीडियोस डालना कि आप हफ्ते में एक बार दो बार जब भी आपको मौका लगे आओ, एनिवर्सरी बर्थडे पर बच्चों को खाना दे के जाओ, फ्रूट्स दे के जाओ, क्योंकि वहां पर कोई सुविधा नहीं है। तो लोगों ने जाना शुरू किया और बच्चों को प्रॉपर खाना मिल रहा है। और हम डेली जाते हैं बगैर नागा, हर रोज गाड़ी जाती है प्रसाद दे जो भी हमसे पॉसिबल होता है। लेकिन क्या इन लोगों का, इन बच्चों को ऐसे मारना सही है? बहुत बार तो जंगल के अंदर जाके बम चलाए जाते हैं। मतलब मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ कि वो वाइल्ड लाइफ वाले डिपार्टमेंट वाले लोग किधर हैं? क्यों नहीं इन लोगों को समझाते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे ये बच्चे अग्रेसिव होंगे, फिर आते जाते लोगों को काटेंगे, फिर मीडिया वाले आएंगे, न्यूज वाले आएंगे, खबरें छापेंगे। लेकिन जब इन बच्चों के साथ टॉर्चर होता है तब वो मीडिया वाले, वो सब लोग कहाँ जाते हैं?